मारुति कंपनी की सियाज गाड़ी आई हुई है फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताएंगे कि कस्टमर का इस गाड़ी में क्या कंप्लेंट है। ये जैसा कि हमारा लेफ्ट राइट का एक डोर मिरर आता है, देखिए यह हमारा लेफ्ट राइट का डोर मिरर है, यहाँ पे इसका बटन दिया है ऑपरेट करने का, ये देखिए ये बटन आप दबाएंगे तो दोनों मिरर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, जैसे ही ओपन करेंगे आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए हम इसका बटन दबा के आपको दिखाते हैं, सबसे पहले वो साइड का, ठीक है ये देखिए ये हमने बटन दबाया, एक साइड का मिरर हमारा फोल्ड हुआ, देखिए वो लेफ्ट साइड का हमारा मिरर फोल्ड नहीं हो रहा है। देखिए अभी हम बटन ऑपरेट करेंगे ओपन होने के लिए, देखिए ओपन में भी कुछ नहीं हो रहा है, देखिए ये साइड का हमारा ओपन हो रहा है, देखिए ये देखिए हमारा राइट साइड का सिर्फ ओपन हो रहा है और क्लोज ओपन दोनों हो रहा है, लेकिन हमारा लेफ्ट साइड का कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हम इसका कवर निकाल के चेक करेंगे कि सॉकेट वॉकेट में कुछ इशू तो नहीं, अगर नहीं रहेगा तो इसका मीटर ओपन करके छुट्टा करके उसमें काम करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमारा वायर लगा हुआ है, तो फ्रेंड हम इसका डोर पैड जो है ओपन करेंगे, क्योंकि हमको ये डोर पैड ओपन करना पड़ेगा, डोर पैड ओपन करने के बाद ही इसका सॉकेट दिखेगा हमें, तो हम इसका डोर पैड ओपन करते हैं, ओपन करके दिखाते हैं। ये हमारा एक आरसी लीवर हैंडल के यहाँ एक स्क्रू था और एक हमारा यहाँ पे स्क्रू है जिसे हम ओपन करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा सॉकेट भी लगा हुआ है, पीछे डाल दो पूरा, वायरिंग वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिरर में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मिरर का जो अंदर गियर एक आता है जो मिरर को ऑपरेट करता है, मेरे पास से वो गियर का दाता स्लिप हो गया, इसके लिए मिरर कुछ काम नहीं कर रहा है। इस मिरर को छुट्टा करेंगे और छुट्टा करके उसके बाद आपको उसका गियर दिखाते हैं कि गियर में क्या प्रॉब्लम है, वो टूट गया है कि स्लिप हो गया है, क्या हो गया है। मिरर ओपन करने जा रहे हैं, ये भी गलती हो गई ना, अच्छा ये भी देते हैं रमेश को। तो हम इसका मिरर ओपन कर रहे हैं, देखिए मिरर ओपन करके फिर इसका फोल्ड बताते हैं क्या फोल्ड है, कि हमारा मिरर ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो ये हमारा मेन मोटर है जो मिरर को ऑपरेट करता है, इसको छोटा करेंगे, छोटा करके आपको दिखाएंगे इसके अंदर फोल्ड क्या है। देख सकते हैं
ये मोटर का जो बॉडी है वो क्रैक हो चुका है, तो इसका गियर का जो दाता है वो सही है, तो हमें इसका मोटर ही पूरा नया डालना पड़ेगा। इसका मोटर है क्या दूसरा? ये देखिए गियर इसका सही है, ये देखिए। बाकी गाड़ियों में क्या रहता है, गियर स्लिप हो जाता है, लेकिन इसमें पूरा ये बॉडी क्रैक हो गया है, तो इसको ऐसे रिपेयर करके चलेगा नहीं, तो पूरा ये मोटर असेंबली हमको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका दूसरा मोटर हम आपको दिखाते हैं, नया वाला, पूरा असेंबली चेंज करना पड़ेगा, ये सब आएगा इसमें, ये मोटर के पूरे पार्ट्स हैं जितने भी है। ये देखिए ये इसका दूसरा नया मोटर है, तो हमें पूरा इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हम इसमें इस रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके इसको फिटिंग करेंगे और फिटिंग करके असेंबली करके फिर आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। देख सकते नया वाला है ये जूना वाला है, रिपेयर हो चुका है, ठीक है। इसमें देखिए हमने ये वाला मोटर रिप्लेस किया है, ये मेन मोटर है, ये मिरर को पूरा वर्क करता है, फोल्डिंग करता है, ओपन करता है, ऑपरेट करता है, चारों को अप डाउन जो आप करते हैं लेफ्ट राइट वो सब काम करता है, ठीक है। तो हम अभी मिरर को गाड़ी में फिट करेंगे और फिट करके उसे चेक करते हैं। तो टेम्परेरी हम इसको फिट करके सॉकेट लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने इसका मिरर भी फिट कर दिया है, इसका देखिए सॉकेट भी लगा दिया है, अब हम बटन से ऑपरेट करके देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग अभी हमारा मिरर काम करने लगे, देखिए ओपन भी हो रहा है, ये देखिए क्लोज भी हो रहा है, ये देखिए हमारे इस साइड का भी बराबर है, देखिए ओपन हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि हमारा मिरर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, इसमें हमने मोटर रिप्लेस किया है, ये देखिए ये मेन इसमें मिरर में मोटर ही आता है, मोटर हमारा ये काम हो चुका है। तो इसका डोर पैड हमने जो ओपन किया था, डोर पैड लगा देते हैं और डोर पैड लगा कर हमारे गाड़ी को फाइनल कर देते हैं। डोर मिरर भी फिट हो गया, डोर पैर भी फिट हो गया, एक बार और आपको हम ऑपरेट करके दिखा देते हैं। ये देखिए इधर का भी देखिए क्लोज है, उधर का भी क्लोज है, देखिए दोनों मिरर बंद है, ओपन करो, ये देखिए उधर भी ओपन हो रहा है, इधर भी देखिए ओपन है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था कि मिरर में अगर प्रॉब्लम हो तो क्या क्या चेक करना चाहिए, तो फ्रेंड हमने इसमें चेक किया तो हमें मोटर का प्रॉब्लम मिला, ठीक है फ्रेंड। तो हमने इसमें ये मिरर में मोटर रिप्लेस किया है और मोटर रिप्लेस करने का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आज का ये हमारा वीडियो था, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।